Dear students, once again welcome to my YouTube channel Learn Maths with Manoj Sharma. मैं मनोज शर्मा आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके 10th के मैथ्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे जहाँ पर हमने कल छोड़ा था कि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना. आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे जो हमने कल सीखी थी कि √3, √5, √7. उसी टॉपिक में जब हम इन अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ संक्रियाएं करते हैं, जब when we do the mathematical operations with these irrational numbers, means सीधी भाषा में यदि इन अपरिमेय संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए, जैसे 3 + √5, तो क्या वो भी अपरिमेय होती है. कुछ घटाया जाए 3 - √5, या गुणा कर दिया जाए 3 × √5, या डिवाइड कर दिया जाए √5/3. इस तरह से जो हमें नई संख्याएं प्राप्त होती हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद, क्या ये संख्याएं जो होती हैं ये भी अपरिमेय होती हैं. आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे. ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है. आइदर जो कल वाला टॉपिक था जिसमें हमने √2, √3, √5 आदि को अपरिमेय सिद्ध किया था, या उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये वाला विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों तैयार हो जाओ, लेट्स कम टू द पॉइंट. तो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा. प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल. सिद्ध करो कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है. तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 का इस्तेमाल किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 फिर बाद में ऐड हो रहा है. तो हमने सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है. तो बेटा आपने ध्यान देना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि कल भी बताया था, इनको हम कंट्रेरी मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी हम इसको विपरीत मानकर चलते हैं. हम इनको हमने इरेशनल सिद्ध करने हैं, तो हम इनको इसके विपरीत परिमेय मानकर चलते हैं. लेट अस अज्यूम दैट 3 + √5 इज रैशनल नंबर. हम मान लेते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है. तो जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा, या फिर हम पहले भी जानते थे कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम a/b रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b, इस केस में a और b जो है सह अभाज्य मानकर चलेंगे, मींस उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. दैट इज a एंड b आर को प्राइम, साथ में b जो है आपका वो नहीं बराबर होगा 0 के. तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + √5 अब किसके बराबर है, a/b के. और अब इसको हम हल करना शुरू कर देते हैं. 3 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2√5 बराबर है a/b - 3. फिर इसी तरह से जब हम इसकी जो आपकी राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2√5 = a - 3b/b. फिर इसी तरह से अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा अब √5 = a - 3b/2b. अब यहां पर जो हमारे पास आया √5 किसके बराबर आया, a - 3b/2b. अब क्योंकि ध्यान देंगे a और b को हमने क्या माना, परिमेय संख्याएं हैं, और 3 भी a और b और 3 और यहां पर एक और है 2, a 3 b 3 और 2 ये पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं. इसलिए अब जब हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है. इसलिए
ए माइनस तीन बी बटे दो बी जो है वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। और अगर ए माइनस तीन बी बटे दो बी परिमेय संख्या है तो अतः अंडर रूट पांच भी परिमेय संख्या है। सिंस, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो लिखा हुआ है साथ में इंग्लिश भी है इसके नीचे, सिंस ए बी थ्री एंड टू आर इंटीजर्स देयरफॉर ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी एंड सो, इसलिए अंडर रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अंडर रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अब यहां पर यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने कल के टॉपिक में देखा था कि यह जो अंडर रूट पांच है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने जो अभी तक काम किया वहां से क्या रहा है आपके पास कि अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है, कि अंडर रूट फाइव इज रैशनल। परंतु हमें पता है कि अंडर रूट फाइव इज इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोध हो गया। एक जो अभी सॉल्व किया वो कह रहा है कि अंडर रूट फाइव परिमेय या रैशनल है, और जो हमने कल किया था वो कह रहा है कि अंडर रूट फाइव इरेशनल है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है जो कल्पना की थी, जो हमारी अजम्पशन थी, वो गलत थी। क्या गलत थी हमारी कल्पना? कि तीन जमा दो अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या, दैट इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन की थी वो गलत है, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, अतः तीन जमा दो रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, देयरफॉर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। बेटा आप इसके आगे एक और लाइन, थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, इसके ऊपर एक और लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण पैदा हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये लाइन आपने लिखनी है, दोबारा दोहरा देता हूं इंग्लिश वालों के लिए, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अब हमारा इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज सिद्ध करो कि तीन जमा अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट थ्री अंडर रूट टू इज इरेशनल। यहां पर जो है केवल तीन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो करना वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। क्या करेंगे हम, मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। मान लो थ्री अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। लेट अस अज्यूम दैट थ्री अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। अतः देयरफॉर थ्री अंडर रूट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी जहां पर क्या है, सह अभाज्य है, बी नहीं बराबर है जीरो, ए एंड बी आर को प्राइम, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बिल्कुल सिंपल सा है, थ्री वहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन थ्री बी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब फिर वही, यहां पर ये थोड़ा सा लिखना होता है क्या, जो जो आपके पास ये आपकी राइट हैंड साइड पे सारे इंटीजर्स हैं, ये आपने लिखना है। तीन ए और बी ये पूर्णांक है, अतः ए बटा तीन भी एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट दो भी परिमेय संख्या है। ये बी नहीं आएगा, भी हिंदी वाला, अंडर रूट दो भी परिमेय संख्या है। सिंस थ्री ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर ए अपॉन थ्री बी इज रैशनल नंबर, देयरफॉर अंडर रूट टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये आपने लिखना है। परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न करता है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। अतः तीन अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, देयरफॉर थ्री अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। आपने डिट्टो ऐसे ही सम को लिखना है, सॉल्व करना है। ये सम इसी तरह से होंगे, थोड़ा सा पार्ट इसमें जो है कहते हैं सॉल्व करने वाला है, बाकी सारा लिखने वाला सेम टू सेम पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे।
तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम एक और सम ले लेते हैं, तीसरा सम भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर सकें। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैथ्स नीड प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स आएगा। सो वीडियो देखने के बाद जो इसके साथ एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करना है आपने। नाउ कम टू द पॉइंट, शो दैट 5 -√3 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर जो है √3 के साथ माइनस संक्रिया, माइनस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो वैसे ही करना है, फर्स्ट कुछ लाइनें सेम है। लेट अस अज्यूम दैट 5 -√3 इज रैशनल। मान लो 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, अतः देयरफोर 5 -√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। 5 -√3 बराबर है ए बी। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे साथ के साथ, तो आपने नोट भी करते जाना है। यहां पर ये जो आपकी शर्त है, जो साइड पे ब्रैकेट पे लिखी होती है, आपने ध्यान देना है। ये जो शर्त है ये लिखनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ये चीज हम लेकर चलते हैं कि ए और बी को प्राइम है, सह अभाज्य है और बी नॉट इक्वल टू आपका 0 है। अब इसको हम दोबारा हल करें, 5 आपको इसको हल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 -√3 थे, तो √3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ए अपॉन बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और √3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 -a/b इज इक्वल टू √3। ठीक है, फिर अब इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, √3 इज इक्वल टू 5 -a/b। सो √3 इज इक्वल टू 5b -a/b। ये एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, आपको आता है बच्चों। सो देन हमारे पास अब देखिए वही पहले वाली स्थिति आ गई। अब यहां पर क्या क्या, कौन कौन से अंक हैं? यहां पर हमारे पास है ए और बी और साथ में है 5। सिंस ए बी एंड 5 आर इंटीजर्स, ए बी और 5 पूर्णांक हैं, वी गेट, तो हमें जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 5b-a इज रैशनल। अतः 5b-a/b, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। सो इसलिए जिसके बराबर ये है, किसके बराबर है ये, √3 के, देख रहे होंगे आप ऊपर, तो √3 भी परिमेय संख्या है। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। परंतु अब यहां पर फिर वही विरोधाभास उत्पन्न हो गया जो पहले था। कल प्रूव किया कि √3 इरेशनल है, अब यहां पर प्रूव हो रहा है कि √3 रैशनल है। कल किया था अपरिमेय, आज हो गया परिमेय। तो यहां पर ये क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस 5 -√3 इज इरेशनल। ध्यान रखेंगे, तो जब हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक, ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने संख्याओं की, जब संक्रिया होती है अपरिमेय संख्याओं के साथ, तो जो हमें संख्या नहीं प्राप्त होती है क्या वो भी परिमेय होती है या अपरिमेय, अ न्यू नंबर फॉर्म्ड इज रैशनल और इरेशनल, इसको पता लगाना हमने आज सीखा। तो बच्चों आपने ढंग से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मैथ्स नीड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। तो आपने ढंग से प्रैक्टिस करनी है और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, हर एक्सरसाइज वाइज आपको इस चैनल पर आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। तो धन्यवाद बच्चों,
जय हिंद।